नमस्कार, मैं प्रेक्षा विधा और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर में दिव्यांग दंपति द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह करने की कोशिश करने का मामला गरमाने के बाद पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी दिव्यांग दंपति से मिलने पहुंचे। उन्होंने संपूर्ण प्रकरण की जानकारी लेकर मौके में ही निगम आयुक्त से चर्चा की और दोषियों पर तत्काल कार्यवाही कर दंपति को प्रोत्साहन राशि वितरित कर प्रकरण की निष्पक्ष जाँच करने की मांग की। उन्होंने कहा, सबका साथ सबका विकास के दावे बेहद खोखले हैं। पूर्व मंत्री सुरेंद्र चौधरी ने कांग्रेस जनों के प्रतिमंडल के साथ दिव्यांग दंपति के बिट्ठल नगर वार्ड स्थित निवास पर पहुंचकर संपूर्ण प्रकरण की विस्तार पूर्वक जानकारी लेते हुए मौके से ही निगमायुक्त आरपी अहिरवार से दूरभाष पर चर्चा करते हुए दिव्यांग दंपति को प्रोत्साहन राशि का लाभ न मिलने के लिए प्रथम दृष्टिया दोषी सहायक आयुक्त नगर पालिका निगम सागर पर तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करने तथा दंपति को प्रोत्साहन राशि का तत्काल भुगतान करने व संपूर्ण प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर कार्यवाही की मांग की। पूर्व मंत्री श्री सुरेंद्र चौधरी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के गृह जिले की यह स्थिति है तो संपूर्ण मध्य प्रदेश की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। फिर ये कितने कर लेंगे, तो महीनों की लगवा देंगे, टेंशन मत लो। ये फार्म ले लो हमसे, ये भर दो, ठीक है। ये फार्म ले लो हमने, भर दो, इस्टाम लो दुनिया भर को, इस्टाम लेके फिर उसके बाद सात आठ महीने जमा करे रहे, उसके बाद फिर हम आला जी कागज दे भी वापस कर देंगे, तो वहाँ कुछ नहीं हुई है। कल गिर लगे तुम्हें पैसा दे दें, तुम एक लाख रुपया मिल जाए, फिर वापस कर दी हो तुम ये आज अधिकारी नहीं दे, कुछ नहीं दे, अलग से नाम चढ़ो, ये खट्टे पर नाम पर चढ़ो है, बस जी। बताएं जो आपके साथ कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल दिव्यांग दंपति के से मिलने गया था, किस संबंध में गया था? देखिए, नगरी प्रशासन मंत्री इस ग्रह के इस ग्रह जिले में अंधेर गर्दी का और अराजकता का माहौल ये है कि दिव्यांग दंपत्ति जो है सात आठ माह से अपनी निःशक्तजन विवाह सहायता की राशि मांगने के चक्कर काट रहा है और अंतोगत्वा वह अपनी ई लीला समाप्त करने के लिए मजबूर हो गया है। इससे बड़ा और दुखदायी और कोई बात हो नहीं सकती। जहां एक ओर सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हकीकत क्या है कि आज के कुछ दिन पहले इसी नगर निगम प्रशासन के सामने लोग अपने दंपत्ति जीवन भरी बरसात में आंदोलन करने को मजबूर हो गए थे। यह बेहद ही गंभीर है और यह सरकार के लिए नाकामी और निकम्मापन साबित करता है। हम मांग करते हैं कि इस तरीके से तत्काल प्रभाव से उस दंपत्ति परिवार को राहत राशि, उसकी जो सहायता राशि मुहैया हो, और इसके लिए जो भी जिम्मेवार हैं उसकी जांच करके उन पर कार्रवाई की मांग आज हमने जिला प्रशासन से की है।